अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर चीन ने उसका मुकम्मल इंतजाम संभाल लिया, हम किस काबिल हैं फिर? हमने किस चीज का इंतजाम संभालना? कशकोल का, हमने किस चीज का इंतजाम संभालना? कशकोल का, हमने कशकोल का इंतजाम संभालने के हमारे जिम्मे कशकोल पकड़ के रहना। खेती बाड़ी, एक बंदे ना कहता है यार मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह भैया मुझे ना तू बस बहुत अमीर कर दे। उसने कहा फिर तू क्या करेगा? कहता मैं बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाऊंगा संगमरमर की। कहता फिर? कहता मैं फिर उसके सामने बैठ के भीख मांगा करूंगा, किसी को नहीं बैठने दूंगा। हम हर दफा संगमरमर की मस्जिद बना के कहते हैं हमने भीख मांगनी, ओ भाई हम खुद क्यों नहीं अपने एयरपोर्ट संभाल सकते? मुकाबला होता था भारत से, आज देखिए उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व थे, बांग्लादेश से आज उसके 40 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। तो आपकी बातें सुन के मैं सोच रही हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो अब सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान से ही होगा सर। बट कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, कहने को एटमी को बताते हैं डिफॉल्ट के ध्यान आपका, मैं आप श्रीलंका भी नहीं हूँ, इधर पहुंच गए वो, आप तो उनके कंपनी की मार हो। और मुझे इसलिए इंडिया बुरा लगता है और कोई नहीं, अल्लाह हमको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, इंसान बसते हैं वहां। उनका तो मुझे अंबानी ज्यादा लगता है, उसकी वजह क्या है? अंबानी मुझे क्यों जहर लग, क्योंकि जो खरबों इस मुल्क का लूट के खा गए। तो एक बात मैंने मोदी साहब से सुनी है जो कि इट इज वर्थ लिसनिंग। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर पहले जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए हैं उनको तो चलें छोड़ें, अब अगला रेवोल्यूशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उस पर भारत लीड करेगा। वो लीड इस तरह करेगा कि इस वक्त भारत के अंदर 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद है और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो सीईओ हैं दोनों इंडियन हैं। उन्होंने इंडिया से ये वादा कर रखा है कि हम भारत से 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे 1 साल के अंदर। आप दुनिया में किस तरह एंटर करना चाहते हैं? फखर भाई आपके, मैं दुख के साथ कहूंगा, मुर्शद पाक जो खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, जब कॉम से उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है तो उर्दू में ट्वीट करते हैं। इंडिया है कहा जाता है कि भाई उससे बुरा मुल्क कोई नहीं। आपको लगता है कि इंडिया इतना बुरा है? इंडिया के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ इतने बेहतरीन हो गए हैं कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करे जी। इंडिया उसका इतना ताल्लुक है अफगानिस्तान, देखो हमारे भाई है नहीं। आजकल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? सब इंडिया के ही शस्त्र चल रहे हैं। तो नॉर्मलाइज करने में, कुछ ओपन अप करने में, जिस तरह मोदी साहब उतर आए थे और कह रहे थे मैं आज में मिलना चाहता हूं, तो शहबाज शरीफ जाते हुए श्रीलंका या इंडोनेशिया या कहीं रास्ते में गए दिल्ली में मैं रुकना चाह रहा हूँ, तो मोदी साहब वेलकम करेंगे या करना चाहिए हमारी हुकूमत को? आप क्या मेरे ख्याल में इनको शीशा सिर्फ मेरा ख्याल डॉक्टर जयशंकर ही दिखा सकते हैं। उन्होंने दिखाया पाकिस्तान को, जाहिर है इसलिए बोलता नहीं है क्योंकि आपने पैसे लेने होते हैं, लेकिन भारत ने पैसे नहीं लेने। दूसरी एक बात मैं ये बताऊंगा, इस वक्त अमेरिकन जो है परेशान है वो इस कभी उसामा बिन लादेन को मार देते, मुसलमानों को ऐसे उन्होंने जकड़ के रखा हुआ ताकि मुसलमान उठ ही ना सके ऊपर। उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट? नहीं, हीरो मुसलमानों को। उनकी खबरें भी बच्चों को कहूंगा जरा पढ़ा करें, देखा करें कि वो इंटरनेशनल लेवल पर या दुनिया में कामयाब किस तरह हुए। अब उसमें कामयाबी यह है कि अगले दिन माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं उन्होंने मोदी साहब के साथ एक पूरा प्रोग्राम किया जी बिल्कुल। उस प्रोग्राम के अंदर जो मैं समझता हूँ जो कुछ चीजें मैंने लर्न की हैं, मैं मुसलसल बार बार ये बच्चों को रिक्वेस्ट तो करता हूँ मुख्तलिफ चैनल से कि इंग्लिश और मैथ पढ़ो, खुदा रहा अगर कर सकते हो। तो इस मुल्क को लंबा पहना है, अगर कुछ होना है तो ये जो घटिया से काम करनी है, अभी ये आटे बांट दो, फोटो वाले आटे बांट दो, तो फलाना कर लो, ना कल्चर चेंज करो, कल्चर चेंज करो। इस मुल्क के करतों धरतों को चाहिए दुनिया के टॉप के साइकेट्रिस्ट को बुलाएं, उसमें डंडी ना मारे, फैक्ट शीट रखें कि हम इस तरह के लोग हैं। मेरा किताब आया जो सदा कबूल करूंगा, 1 साल में मुल्क की ट्रैफिक में डिसिप्लिन ले आओ, तुम देखो तुम्हारी जिंदगियां, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे रवैये कैसे। याद रखना ये मजाक नहीं हो रहा, ये ट्रैफिक सिग्नल, ये सड़कें, तो ये बंद भाई, तो ये फलाना, तो ये ना जानवरों की तरह फिर रहे, इनको डिसिप्लिन में ले आओ, इनके रवैये घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में बदल जाएंगे जी, अपने ऑफिस में ना जी ना। We are living like animals. बल्कि कई एनिमल्स हैं जो जिनमें डिसिप्लिन पाया जाता है, तो पता नहीं है इनको इश्यूज का। मैं कब से कह रहा हूं पारस, कब से कह रहा हूं, बहुत पहले शायद आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी, पाकिस्तान का मसला इक्तसादियात नहीं जी। आपकी तबाह इक्तसादियात के पीछे आपकी बर्बाद शुदा अखलाकियात है। इस भूखे नंगे मुल्क का सियासतदान जब बाहर जायदाद खरीदता है उसे मौत नहीं पड़ती। हिंदुस्तान में फरिश्ते हैं,
साउथ की मूवीज देखो, लेकिन शर्माते हैं, कोई शर्म भरम ना है ही नहीं। वजह क्या है? हम बड़े अनोखे हैं, हमारी तीन तीन आंखें हैं, पीछे हमारे दो में है, तो साडा जैसा है ही कोई नहीं। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी क्या? चंद दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा, कोई पुलिस ASI वगैरह पता नहीं क्या इस तरह का एग्जाम हो रहा था, वो कई जाली उम्मीदवार पकड़े हुए हैं, वो खुद नालायक थे, उन्होंने किसी और को भेजा हुआ था। टैलेंट की कमी नहीं है, कोटा में रोम के गुजर गया एक बंदा, पूरा 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 मुल्क देख रहा है जी, निकल गया क्या है? व्हाट इज दिस सर? अभी आपने बात की भारत की, साल बाद का ख्याल आया सर, हमारा मुकाबला होता था भारत से, आज देखिए उसके 700 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, बांग्लादेश से आज उसके 40 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं, तो आपकी बातें सुन के मैं सोच रही हूँ क्या हमारा मुकाबला जो है वो अब सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान से ही होगा सर? बट कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, कहने को एटमी कुवत है और डिफॉल्ट के ध्यान आपका नहीं, गलत है। मैंने श्रीलंकन के साथ काम किया हुआ है, यूं कह लें उन्होंने मेरे साथ काम किया। आप श्रीलंका भी नहीं हो, इधर पहुंच गए, वो आप तो उनके कंपनी की मार हो, और मुझे इसलिए इंडिया बुरा लगता है और कोई नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे जी, इंसान बसते हैं वहां, उनका तो मुझे अंबानी जहर लगता है, उसकी वजह क्या है? अंबानी मुझे क्यों जहर लगता है? क्योंकि जो खरबों इस मुल्क का लूट के खा गए हैं, ये अंबानी को देख के इनको और मरोड़ उठते हैं, अब ये अंबानी इनका टारगेट है। वो कहते होंगे चलो जो वेस्ट के हैं उन तक तो हमारी औकात नहीं, कमियों की, वो यार ये तो पड़ोस में है अभी काला पीला हमारे जैसा ही, असी भी उन कुड़ी का ब्याह करिए या मुंडे का एनजी करिए, ये है और DNA का प्रॉब्लम है ये नहीं, कुछ लोगों को ये बात वो समझ नहीं जाओ। एक और प्रॉब्लम हमारे मुल्क में, लो मिडिल क्लास का, डिप्राइव्ड तबके का वो बंदा अगर किसी जगह पहुंच जाए, भले वो सियासत हो कहीं और हो, वो सबसे पहले अपने तबके के साथ ला तल्लुकी का ऐलान करता जी, रैम नहीं आता, शर्म नहीं आती, रैम नहीं आता, कुछ नहीं। सर ये अशराफी और हुकूमतें यहाँ पे गुजरी या गुजर रही हैं, ये अब तक वैसे नाकाम ये हैं क्योंकि 30-30 साल का तजुर्बा रखने वाले भी सही अंदाजे नहीं लगा सके थे सर, या आप जो IMF और इस मरतबा जो हमारे दोस्त ममालिक है वो भी समझ गए कि हर दफा आ जाते हैं ये मांगने के लिए, तो वो भी कह रहे हैं इन्होंने तो ये रूटीन बनाया हुआ है कि जाओ जाके इस्लाहात करो, जाओ जाके अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, फिर जाके तुम्हें कर्ज देंगे। जब मैंने अभी कहा ना कि मैं ठेका लिया उनका, मैं एक बात करता हूं कि अगर ये दयानदार ऑनेस्ट होते, काबिल होते, हार्ड वर्किंग होते, फोकस्ड होते, फौज कभी आप मैं हाँ वो बात भी आपके बीच में रह गई, अच्छा हुआ आपने फिर छेड़ लिया। मैं 90% जिंदगी में सियासतदानों को मिलकर मुझे उकाई किसी कैफी देखिए कितना पैठी है, कितना छोटा मौजूद क्या है, दो चार बंदे हैं जिंदगी में पॉलिटिक्स में जी जिनको देख के मुझे अच्छा लगा, मिराज खालिद थे, वो इस कौम की नाक के नीचे नहीं आया, दरवेश आदमी था, वजीर आजम के तौर पे भी इशारों पे रुकता था, इन्होंने भी यह कैटवॉक फलाना टमकाना चाहिए तो ठीक है मौज करें, मुझे अब आवाम के साथ भी दिलचस्पी नहीं जागी, एक जमाने में बहुत कुर्ता था, अब नहीं, जो बीजा है वो जो काश किया है वो काटो मौज करो ठीक। पाकिस्तान बनते क्या हुआ? नोबडी बॉदर्ड, कायद को वक्त नहीं मिला, दो चीजें पैदा हुई, ये मुहावरे बन चुके हैं मेरे ये जुमले जो हैं, एक जाली क्लेम, दूसरा जाली इज्जतें। मेरा एक शेर है, शहरे आसेब में आंखें ही नहीं है काफी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा, यहाँ सीधा है कुछ नहीं। ये आप ही कहते हैं ना कि इस निजाम को तेजाब से धोने की जरूरत है, और इस बात पे आपके ऊपर बहुत तनकीद भी होती है, और आप ये भी कहते हैं कि जो इस सिस्टम से फायदा उठाने वाले हैं वो इसको दुरुस्त नहीं करेंगे, फिर बस अवाम ही रह जाते हैं, लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि अब अवाम ने भी इन हालात से समझौता कर लिया है, तो क्या बस फिर ये निजाम ये मुल्क जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा सर, ये कोई उम्मीद बाकी है अभी? देखें ये ज़ार्स ऑफ रशिया के बारे में भी जब बात होती थी तो लोग कहते थे कि ये ख्वाजा सरा हैं सारे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रेंचीज के बारे में भी ये कहा जाता था कि ये हिजड़े से हैं इन्होंने क्या करना है, लेकिन एक मुहावरा है तंग आमद बजंग आमद, फिर एक दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे यहाँ कॉमन, इनसे मेरा जुमलों से कोई ताल्लुक नहीं है, कि बिल्ली पे भी दरवाजे बंद कर दो, बिल्ली एक बेचारा कमजोर सा मासूम सा जानवर है, उस पर भी दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां रोशनदान दरवाजे सब बंद कर दो तो वो भी आंखों पर, तो एक हद है ना जी, वो जिसे कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, यानी आपने भर दिया ऊंट का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर एक दिन का वो कौन सा होता है मैं नहीं जानता, वो फिर
सर मैंने उम्मीद की बात हसन निसार साहब इसलिए की क्योंकि चंद माह पहले आपने ये कहा कि आप ये मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं या मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और सर मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर और हैरानगी भी हुई कि आप जैसी शख्सियत जो कड़वा सच बोलकर कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी मायूस हैं, अब वो भी मुल्क से जाने की बातें कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ कहते हैं मायूसी कुफ्र है, ये जाहिल, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, ये है विजडम। बेशक। अच्छा जी आप पारस बीबी, अल्लाह की रहमत मशरूत है, उसके एक तरफ जन्नतें हैं तो दूसरी तरफ जहन्नुमें हैं, रहमत मशरूत है वरना सिर्फ जन्नत होती, हर चीज के तकाजे हैं, कंडीशंस हैं, मशरूत है वो। सो अगर आप एक कौम के तौर पे वो शरायत पूरी कर रहे हो तो आप पे रहमतें बरकतें। ठीक, गज़वाए बद्र में क्या था, 313, फिर क्या हुआ, कैसर कसरा के बुर्ज उलट गए, अंदाजा लगाओ, इट्स नॉट बिलीवेबल विद इन नो टाइम। दुनिया कहीं की कहीं, किधर गया फारस आपका जिसे आज ईरान कहते हैं आप जी, ये कौन लोग हैं, सुपर पावर, ये खेल है, यहाँ ये गंध का ढेर है और हम लोग आतिशबाजी के धाने पे बैठ के हुक्का पी रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं।